वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने साउंड स्टार्ट किया था और आज हम उसी को प्रोसीड करने वाले हैं फर्दर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रेशर चेंज की, बात की थी ओके साउंड वेव्स की इक्वेशन की बात की थी। इस लेक्चर में हम इसी चीज़ को थोड़ा सा थ्योरेटिकली ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे एक साउंड वेव का जो वेव फिगर हमने देखा था वो था कुछ इस टाइप, जहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने यस लिया था और इस डायरेक्शन में हमने एक्स लिया था ओके। इसके पहले के वाले भी अगर मैं बनाऊँ तो इसके पहले भी वेव्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। कैसे वेव्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स नीचे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में मूव कर, नॉट नीचे, पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसका मतलब पार्टिकल्स आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ओके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिमिलरली ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों साइड के पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर से ये पॉइंट है जिसमें दोनों डायरेक्शन साइड के पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर ये एक पॉइंट है जहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए ये पार्टिकल्स नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए, ये जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जहाँ पर दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा मिडिल ऑफ द रेयर फ्रैक्शन और मिडिल ऑफ द कंप्रेशन, वो मिडिल पॉइंट होगा ओके। क्योंकि पार्टिकल्स पहले पीछे के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और फिर आगे की डायरेक्शन में जाना शुरू किया। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स पहले पीछे के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और फिर पार्टिकल्स पहले पीछे के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद वो आगे के डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। मतलब ये रेयर फ्रैक्शन का रीज़न है। अगर मैं इस रीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे पार्टिकल्स पहले आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और फिर पीछे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। देखिए पार्टिकल्स पहले आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और फिर पीछे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, तो ये कंप्रेशन का रीज़न है। तो ये रेयर फ्रैक्शन का रीज़न है, ये पीछे के डायरेक्शन से आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, ये रेयर फ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन ओके। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं इसको पॉइंट्स अगर नाम दे दूँ, मैं इसको अगर नाम दे दूँ तो ए बी सी डी ई एफ। तो पॉइंट ए जो है वो है रेयर फ्रैक्शन, पॉइंट बी जो है वो है पॉइंट सी जो है वो है कंप्रेशन का पॉइंट ओके। इसी करस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रेशर प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं पॉइंट्स पॉइंट वाइज ले रहा हूँ चीज़ें। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे डिनोट करेंगे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जिस पॉइंट पे हमको चाहिए ओके लेफ्ट लिमिट अबे ये रहा। अगर हम सेंटर टू सेंटर अटैच कराएं तो ये पॉइंट हो जाएगा एक पॉइंट ओके। दूसरा पॉइंट इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे दूसरा पॉइंट आएगा ओके। तीसरा पॉइंट फिर इस पे आ जाएगा तीसरा पॉइंट। इसी तरह सारे पॉइंट्स को हम अटैच करते अगर चले जाएं तो उन पॉइंट्स पे उसका बिहेवियर कैसा होगा ये हमको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले बताया ए पॉइंट है कंप्रेशन का, यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और ए पॉइंट कंप्रेशन का है या आप ये बहुत डाउटफुल टॉपिक है एक्चुअली। ए पॉइंट ऐसा वो पॉइंट नहीं है जहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होता है ओके। ए पॉइंट वहाँ का पॉइंट है जहाँ पे कंप्रेशन मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा कंप्रेशन में फिर रेयर फ्रैक्शन में। तो मिडिल में पार्टिकल, इधर के पार्टिकल इधर मूव कर रहे होते हैं, इधर के पार्टिकल इधर मूव कर रहे होते हैं, तो मिडिल का जो पार्टिकल होता है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ओके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली कंप्रेशन से रिफ्रैक्शन में जब जाते हैं तो देखिएगा ये पॉइंट ओके। ये पॉइंट तो एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वहाँ पे पार्टिकल बीच का पार्टिकल स्टॉप होता है। लेकिन ऐसे पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जैसे ये पॉइंट, दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आगे के डायरेक्शन में, ये पॉइंट ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पीछे के डायरेक्शन में, ये पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पीछे के डायरेक्शन में ओके। ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर और कंप्रेशन मिले, आगे कंप्रेशन फिर से मिलेगा, तो अगर ये कंप्रेशन फिर से यहाँ मिला है तो यहाँ के पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इसके पार्टिकल्स भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ओके। तो एक तो जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में कहाँ पे मूव करते हैं, बाउंड्री पे, और अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ मूव करते हैं, सेंटर में, और सेंटर में डेल्टा पी कितना होता है, जीरो।
और बाउंड्री पे डेल्टा पे, सॉरी सेंटर पे बाउंड डेल्टा पे होता है मैक्सिमम, और बाउंड्री पे डेल्टा पी होते हैं जीरो। तो बाउंड्री पे याद रखिए, बाउंड्री पे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये बाउंड्री है बी पॉइंट, ये डी ई एफ जी जी लेट्स से जी, ये पॉइंट जी पॉइंट डी, यहाँ पे पार्टिकल्स इसके दोनों तरफ के पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ए पॉइंट सी पॉइंट ई पॉइंट ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये रेयर फ्रैक्शन का कंडीशन है, क्योंकि पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में पीछे से आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे के डायरेक्शन में आगे, मतलब पहले पार्टिकल्स पीछे के डायरेक्शन में जा रहे थे, उसके बाद के पार्टिकल्स आगे के डायरेक्शन में जाने मूव कर रहे, तो मतलब यहाँ एक रेयर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो रेयर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में आप याद कीजिए, यहाँ पे जो प्रेशर होता था वो मिनिमम होता था, सॉरी यहाँ मिनिमम होगा, कंप्रेशन की कंडीशन में यहाँ बीच में जो प्रेशर होता था वो मैक्सिमम होता था। ओके, तो मिनिमम मीन्स कितना होगा, मिनिमम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही हम एक्स्ट्रा अपोजिट डायरेक्शन में इसको इंक्रीज कर देते हैं। ओके, देखिएगा अभी कैसा होगा। तो इस पॉइंट पे जो कंप्रेशन है वो मिनिमम है, मतलब सबसे कम, मतलब माइनस 20, हमने बताया था माइनस 20 होता है। और जैसे जैसे ये मीन की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे ये उस, ये मीन पोजीशन हो गया, ओके, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये बाउंड्री पे आएगा, बाउंड्री पे मतलब दोनों पार्टिकल्स, दोनों साइड के पार्टिकल्स का मोशन है सेम डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे बढ़ेगा बाउंड्री पे आएगा, ये बाउंड्री पे आते आते प्रेशर जीरो, फिर से पोजीशन, ये अब ये कंप्रेशन में जा रहा है, ये आगे के पार्टिकल्स तो आगे जा ही रहे हैं, ओके, आगे के पार्टिकल्स तो देखो ये एरिया क्या था, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का, ये एरिया था कंप्रेशन का, ओके, अब ये कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये आगे के पार्टिकल्स फिर नीचे के पार्टिकल्स, अब यहाँ पे ये कौन सा रीजन हो गया, कंप्रेशन का। तो अब ये धीरे धीरे जाके यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, फिर से मीडियम में आएगा, फिर ये एक मिनिमम प्रेशर पे जाएगा, फिर यहाँ से जाते थे एक मैक्सिमम प्रेशर पे जाएगा, ये प्रेशर कितना होगा 20, ओके, इस तरह से ये प्लॉट बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे करके। ओके, इस बात को आप कंप्लीट बात को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली बहुत एक डाउटफुल टॉपिक है कि प्रेशर कंप्रेशन के साथ कैसे मूव कर रहा है। तो लॉजिक सिंपली सिर्फ आपको ये देखना है कि कहाँ कौन सा रीज़न कंप्रेशन का है, कौन सा रीज़न रिफ्रैक्शन का है। ओके, तो जब पीछे के से नीचे से पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले पुराने पार्टिकल जब नीचे मूव करेंगे और आगे का पार्टिकल जब ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा वो रीज़न होगा, तो वो कंप्रेशन सॉरी रिफ्रैक्शन के डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो पहले पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर नीचे के डायरेक्शन में, तो वो रीज़न रेयर फ्रैक्शन के डायरेक्शन में मूव करेगा। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो ये इस तरह से प्रेशर का ग्राफ बनेगा अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से कंपेयर करके इसको बनाऊँ तो। ओके, तो अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये खुद में ही एक सिनोसॉइडल वेव फॉर्म कर रहा है, पर एक कोसाइन सिनोसॉइडल फॉर्म कर रहा है जिसका इनिशियल जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया प्रेशर का इक्वेशन। ओके, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसको दोबारा समझा दूंगा, पर फिलहाल ये टॉपिक इतना ही है। आपको बस ये देखना है कि मिडिल में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, बस आपको ये देखना है कहाँ पे प्रेशर जीरो होता है, कहाँ पे प्रेशर जीरो नहीं होता है, यही चीज़ों बस आपको कंपेयर करना है, आपके सारे काम हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप ध्यान दें तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एंटी नोड बनाया वहाँ पे यहाँ पे एंटी नोड बनाया, यहाँ पे नोड बनाया, फिर यहाँ पे एंटी नोड, एकदम बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूँ क्लियरली डिस्प्लेसमेंट नोड, सॉरी नोड, इट इज नोड, नोड इज प्रेशर एंटी नोड एंड वाइस वर्सा। ओके, क्लियरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का सबसे कम है प्रेशर वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ओके, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का सबसे कम है प्रेशर वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ओके, तो देखिए अभी मैं इक्वेशंस को दोनों कंपेयर करता हूँ। तो एस मेरे पास क्या है, मेरे पास एस है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्रेशर कितना है मेरे पास, माइनस ए कॉस, सॉरी नॉट माइनस ए, माइनस पी नॉट, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा मान लीजिए डेल्टा पी नॉट और डेल्टा पी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपको पता होगा माइनस कॉस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। ओके, अब मैं इसको अगर चेंज करूँ तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन प्रेशर इक्वेशन के बीच का फेज डिफरेंस निकालूँ डेल्टा फाई, तो मुझे कितना मिलेगा, डेल्टा फाई मुझे मिल जाएगा माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियरली, तो फेज डिफरेंस प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा पाई बाई टू का हमेशा। ओके, हमेशा इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद अगर मैं लेट से मैं कोई मटेरियल है, अब मैं सिर्फ एक ही मटेरियल में थोड़ा काम करता रहूँगा हमेशा, सिर्फ एयर में ही वेव साउंड वेव्स मूव नहीं करती, सॉलिड में लिक्विड में कई जगहों पर वेव्स मूव करती, तो उसमें जो चेंज इन प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बीटा के ए होता है। ओके, बीटा के ए, यहाँ बीटा क्या है, बीटा है आपका बल्क मॉडुलस, के क्या है वेव नंबर, ए क्या है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपने सीखी आज, कंप्लीट बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपने सीखी आज। ओके, सिमिलरली आप डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हमने प्रेशर के बारे में बात किया, जिस तरह से प्रेशर वेरी कर रहा है उसी तरह सेम तरीके से डेंसिटी भी वेरी करती है। ओके, सेम उसी तरीके से डेंसिटी वेरी करती है, तो डेंसिटी के लिए भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और इसको कॉस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जैसे हमने प्रेशर के लिए लिखा, दिस इज इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। ओके, क्लियर, यहाँ रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, बाकी ओमेगा और के बारे में आप लोग जानते हैं, ए के बारे में आप लोग जानते हैं, और ये इस कंडीशन में जो डेल्टा पी नॉट मैंने यहाँ लिखा है, याद रखिएगा डेल्टा पी नॉट क्या है, याद रखिएगा कोई भी मीडियम में वेव मूव कर सकता है, ये डेल्टा पी नॉट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इस डेल्टा पी नॉट को, दिस इज डेल्टा पी नॉट। सिमिलरली डेल्टा रो नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा रो नॉट हो जाएगा आपका रो के ए, रो तो आपको पता है, के क्या है प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट एंड ए इज द एम्पलीट्यूड। ओके, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट एंड एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये बातें अच्छे से आपको याद करके रखनी है, कुछ बेसिक डिफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फॉर्मुलेशन की मेथड से। ओके, स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड अब तक हमने सिंपल चीज़ों की बात की, जैसे प्रेशर कैसे वेरी करता है, डेंसिटी कैसे वेरी करता है, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करता है। ओके, अब तो जो बेसिक डिफिनेशन होती है साउंड की वो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट ई बाय रो। रो क्या होता है, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड ई क्या है कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए रूट टी बाय म्यू, तो यहाँ पे म्यू रो से कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, और टी जो है वो इलास्टिसिटी से, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी से कन्वर्ट हुआ है। ओके, इस बात का याद रखिएगा। तो आपको एक बात यहाँ से मैं बताता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, गैसेस, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चीज़ें क्या चेंज होंगी, अगर हम लेट्स से हम लोग लिक्विड या गैसेस की बात करते हैं तो यही वी हो जाता है आपका रूट ई की जगह आता है बीटा बाय रो, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज बल्क मॉडुलस। ओके, बीटा इज बल्क मॉडुलस, और यही अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो यहीं पे वी हो जाता है आपका रूट वाई बाय रो, वाई इज यंग मॉडुलस। तो देखिए, ओके, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा, तो किसी भी चीज़ की वेव की वेलोसिटी, साउंड वेव की वेलोसिटी दो चीज़ों पे उस मीडियम पे डिपेंड करती है, डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे, ये दो चीज़ें वहाँ पे होंगी, उसके हिसाब से आपका मीडियम आपकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी मूव करना शुरू करेगी। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए।
ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर साउंड की बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।